ओम शांति। बाबा ने आकर, स्वयं भगवान ने आकर हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई, क्योंकि वे ही हमें जानते हैं, वही हमारे आदि मध्य अंत को जानते हैं। वे जानते हैं ये कौन सी आत्मा है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज भरी हैं, कल पहले इसने क्या क्या महान कार्य किए थे, कैसी स्थिति बनाई थी। तो बाबा आकर हम सबको स्मृति दिलाते हैं। ध्यान दें, उन्होंने कहा तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तुम विजय तुम्हारी हुई है हर कल्प में। किस पर विजय? माया पर विजय। क्या हमें याद आया? क्या हमें ये नशा चढ़ा कि मैं विजयी रत्न हूं? कल पहले भी मैंने माया को जीता था। बहुत इम्पोर्टेंट बात। हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बहुत गहरी स्मृति है, क्योंकि अगर हमें ये स्मृति आ जाती है कि हमारे द्वारा दो युग तक अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होती रही, उनके विघ्न नष्ट होते रहे, उन्हें सिद्धियां मिलती रही, उनके बिगड़े काम बनते रहे, तो हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का आभास और एहसास होता रहता है। अन्यथा हम अपने में ही उलझे रह जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण करने में लगे रहते हैं। तीसरी बात, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, तुम पूर्वज हो, इस सृष्टि के आधार हो। आधार, ध्यान दें, तुम्हारी स्थिति, उसके आधार पर संसार की स्थिति होती है। बहुत गहरी बात है। यानी हमारी स्थिति सतो प्रधान है तो सारे संसार की स्थिति सतो प्रधान है, प्रकृति की स्थिति सतो प्रधान है, और हमारी स्थिति तमो प्रधान होती है। हमारी स्थिति बिगड़ती है तो सारे संसार का खेल बिगड़ता है। हम माया में आते हैं तो सारा संसार माया के वशीभूत हो जाता है। तो हम याद किया करें, हम विजयी रत्न हैं। इससे हमारे अंदर की जो विजय प्राप्त करने की शक्ति है, विजय पाने का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाएगा। अन्यथा लोगों ने क्या मान लिया था, माया को जीता नहीं जा सकता, ऋषि मुनि भी नहीं जीत पाए, हारा होगा एक सन्यासी, मान लिया कि कोई नहीं जीत पाया। तो ये कहकर कि तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, बाबा ने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया कि पहले भी जीत तुम्हारी हुई थी, अब भी जीत तुम्हारी ही होगी। तो इसको बहुत याद किया करें, उठते ही याद किया करें। मैं इस देव देवी हूँ, अपने स्वरूप को इमर्ज किया करें, ऐसा फील किया करें, मैं मंदिर में हूँ, सामने खड़े हुए भक्त मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, महिमा गुणगान कर रहे हैं। तो हमारा वो स्वरूप बढ़ता जाएगा जिसमें हम संपूर्ण पवित्र हैं। हमें देखते ही लोगों के चित्त पवित्र होते हैं, उनके पाप कर्मों की उन्हें रियलाइजेशन होती है, वो पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं, वो अपने को दीनहीन अनुभव करते हैं, उनका अभिमान नष्ट हो जाता है। और तीसरी जो बात थी, हम सृष्टि के आधार हैं, पूर्वज भी हैं पालन करने वाले, लेकिन आधार हैं। ये बात हमें जगाती है कि तुम नींव हो, तुम हिलोगे तो पूरी सृष्टि की इमारत हिलने लगेगी। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तुम जिम्मेदार आत्मा हो, तुम साधारण नहीं हो कि कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कभी भी सो, कभी भी उठो, विकारों के वश रहो, कैसे भी कर्म करते रहो, तुम्हारा एक एक संकल्प भी सारी सृष्टि को प्रभावित करता है। इसलिए अपने को जिम्मेदार समझते हुए इस महान एहसास में आ जाओ, हम बहुत महान हैं, रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं। इससे हम जागरूक रहेंगे, हमारी स्थिति महान बन जाएगी। जब हमें पता चलेगा हमारा एक एक संकल्प सृष्टि को जल दे रहा है, उसकी पालना कर रहा है,
तो आइए हम सभी स्मृति स्वरूप बने और अपनी स्थिति को महान बनाते चलें। ऐसे ही बहुत सारी स्मृतियां हैं जिनको हम अपने चित्त में चिंतन करें और स्थिति को महान बनाएं। ओम शांति।